लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो जब ये लगाना शुरू करेंगे तो स्किन को टाइट करता है। हमारा ये एपिडर्मल, डर्मल्स एंड फैटी टिश्यूज, हमारी तीन लेयर्स है हमारे स्किन में, ठीक है। ऊपर वाले का देखिए कितना ये है कि हमारा जैसे ये बैग है हमारा ना, स्किन हमारा एक बैग है, बैग के अंदर हड्डियां वगैरह डाल दी है ना, तो हड्डियां वगैरह डाल के हाथ पैर हमारे निकले हैं, पूरा हम बैग में भरे हुए हैं, पूरा स्किन हमारा एक ही लार्जेस्ट स्किन, हमारा जो मेन पार्ट है वो हमारे बॉडी का स्किन है हमारा, ठीक है। तो वो स्किन में, तो ये हमारी थ्री लेयर्स है, एपिडर्मल, डर्मस एंड फैटी टिश्यूज। जब तक ये वाला हिस्सा, मतलब अंदर का हिस्सा आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो एपिडर्मस है ये वाला स्किन है आपका चमकेगा नहीं। तो इसके लिए हमको अंदर का स्किन, अंदर का जो हमारा जो अंदर का सिस्टम है उसको भी हमको स्ट्रॉन्ग करना है, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको मशरूम, स्पिरिना, मोरंजी, ये तीन चीजें हमको सब लोगों को देना है, जो बीमार है उसके लिए भी है और जो बीमार नहीं है उसके लिए भी है। ये तीनों चीजें हमको सारे लोगों को देना है ताकि अंदर का सिस्टम अच्छा हो जाए। जैसे पिंपल्स बहुत लोगों को होती है, क्यों होती है, क्योंकि अंदर हीट होती है, बॉडी के अंदर हीट होती है, पानी कम पीने की वजह से भी होता है, और बहुत सारी लेडीज प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी होता है, और यंग जब बच्चे हो जाते हैं तो हॉर्मोन्स की वजह से भी पिंपल्स चेहरे पे भर जाती है, ठीक है। पानी हमको ज्यादा से ज्यादा पीना है, 10-12 ग्लास ऑफ वाटर, दो से तीन लीटर पानी हमको पीना है। अब पानी जब हमारा पोरस खाते तब भी आपको ज्यादा पानी पीना है, नए खाते हो तो भी पानी पीना है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा और आपके हेल्थ के लिए, बालों के लिए भी बहुत अच्छा। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पियोगे तो फ्लश आउट होगा, सही है, वो निकलेगा बाहर, अंदर का जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स है, वो कहां से निकलेगा, यूरिन के जरिए, पेशाब के जरिए, पसीने के जरिए, कफ के जरिए और स्टूल के जरिए, पाखाने के जरिए, पेशाब के जरिए, पसीने के जरिए और कफ के जरिए निकलेगा। उसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। जब आप किसी को मशरूम पाउडर, स्पिरिना, मोरंजी देते हो, उनको ये चीजें बोलना जरूरी है। अगर आप नहीं बोलोगे, हमको बेचना नहीं है पाउडर्स, है ना, हमको चाहिए कि आदमी फिर से आए आपसे और ले और उसको हेल्प मिले। अगर आप सोचोगे कि मुझे पाउडर्स बेचना है, मुझे यहाँ से कमाना है, तो ऊपर वाला भी आपकी नीयत देख रहा है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो ऊपर वाला देने के लिए तैयार है, सही है। तो नीयत हमेशा अच्छी रखो, और ये सोच के दो लोगों को कि उसको फायदा हो, उसको जब फायदा होगा तो वो किसी और को बोलेगा, तो इसी तरह हमारा प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा। तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीने बोलना है, उनको ये बताना है कि ये चीजें होगी, उनको डराना नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम प्रोडक्ट तो दे देते लेकिन हम बताते नहीं कि ये चीजें आपको होगी। तो आदमी जब खाने लग जाता है, जब उसको यूरिन ज्यादा पास होती है या लूज मोशन होता है, तो डर के मारे उठा के रख देता है। तो उसको यही समझाना है कि नहीं रखना है आपको, बल्कि आपको जिसको हम दे रहे हैं, हमारा फर्ज है कि हम 2-3 दिन के बाद उसको कॉल करके पूछे कि आपको जो प्रोडक्ट्स दिया है आपको क्या हो रहा है। वो बोलेगा नहीं मैंने तो रख दिया क्योंकि मुझे लूज मोशन होना शुरू हो गए। तो उसको बल्कि यही बोलना है कि वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आपके ऊपर ये प्रोडक्ट जाके काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। क्योंकि ये जब अंदर जाता है तो आपके अंदर जाके आपके जो अंदर प्रॉब्लम्स है उसको निकालने की कोशिश करता है, आपको उसको डराना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमको लोगों को बताना है, और जब नहीं बताओगे तो कोई आपका प्रोडक्ट लेगा भी नहीं। तो इस तरीके से हमको बताना है, और ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट्स है, मुकम्मल गिजा है। और लोगों को ये भी बताना है कि डॉक्टर की दवाइयों के साथ इसको लेना है, डॉक्टर की दवाई छोड़ना नहीं है, मेडिसिन नहीं छोड़ना है। आप लोग डॉक्टर नहीं हो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दो, डॉक्टर की मेडिसिन के साथ इसको स्टार्ट करना है। जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, डॉक्टर अपने आप मेडिसिन बंद करेगा। जैसे मेरी अम्मी को शुगर थी 300 के ऊपर, डॉक्टर ने बोला, दवाई शुरू हुई, चावल बंद, मीठा बंद, वॉक करना है, सब कुछ। मम्मी मुझे फोन करके बोली इंडिया से, बेटा मुझे डॉक्टर ने ये शुरू किया, क्या करूं मैं। मैंने उनको तीनों चीजें, मैंने यहाँ से फोन करके अपने ऑफिस में कहा मेरी मम्मी को ये तीनों चीजें पहुंचाओ, मशरूम, स्पिरिना, मोरंजी, कॉफी और चाय। जब उन्होंने जाके वो चीजें दी, मम्मी ने शुरू किया, 3 महीने के अंदर उनकी शुगर कंट्रोल हो गई। अभी 5 साल हो गए उनकी शुगर अभी तक कंट्रोल में है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये चीजें शुरू से ही लेना शुरू कर दी। 3 महीने में डॉक्टर ने मेडिसिन बंद कर दी, अभी आज तक वो मेडिसिन नहीं ले रही है, और ना मशरूम पाउडर ले रही, ना मोरंजी जूस ले रही है। अभी वो क्या ले रही है, स्पिरिना ले रही है और चाय और कॉफी ले रही है। चाय और कॉफी के जरिए उनको मशरूम पाउडर मिल रहा है। स्पिरिना इसलिए लेती है
कि उनको मालूम है कि मैं अगर नहीं खाऊंगी सुबह में चार स्क्रीन ना, तो चार बजे तक वो कांपने लग जाती है, ताकत नहीं मिलती उनको, उससे ताकत मिलती है, घर का पूरा काम वो अकेली करती है, ठीक है। तो 82 इयर्स की है वो, तो अपने घर का काम अपने से खुद करती है। तो सोचो अगर हम ये खाएंगे तो हमारे लिए कितना अच्छा है। हम बाहर आलतू फालतू खर्चे करते है ना, बाहर जाएंगे तो अरे कुछ नजर आया तो पहले खाना शुरू कर दे, तो उससे अच्छा अच्छी चीजें खाना शुरू करो, बहुत अच्छी चीजें हैं, तो लोगों को खाने भी दो। तो ये जब अपना आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपका एपिडर्मस जो है, ये स्किन जो है आपका ग्लो होना शुरू होगा और अच्छा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो हाउ टू यूज सोप, सोप को कैसे इस्तेमाल करना है, सिंपल सा सोप है। मैं भी ये समझती जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे ऐसा लगा इतना महंगा सोप कैसे हम इस्तेमाल करें, ठीक है। जब उसके बारे में पता चला तो फिर मैंने उसको लोगों को बताना शुरू किया, और इसको मैंने ये किया था, इसको मेरे बेटे ने बताया था। मेरे बेटे के मुंह पे कुछ पिंपल्स आई थी और वो वैसे भी गोरा है, लेकिन जब ये सोप लगाना शुरू किया तो पिंपल्स के दाग भी खत्म हो गए और उसका चेहरा और गोरा लगने लगा। तो उसके फ्रेंड ने उसको पूछा, शर्जी तुम क्या यूज करते हो, तो उसने बोला मेरे मम्मी के ऑफिस में कोई एक सोप मिलता है, मैं इस्तेमाल कर, छोटा था मैं इस्तेमाल करता हूँ, और उस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया में थी। तो उसने बोला मम्मा मुझे ऑर्डर मिली है, और जो अपना एक एक सोप है उसने 12-15 दिनों में एक एक सोप बेचा उसने अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, ऐसे 10 पैकेट सोप उसने बेचा। तो मतलब जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखना जरूरी है। जब तक आपके ऊपर कुछ नजर नहीं आएगा तब तक कोई कुछ लेगा नहीं। कल की बात है, कल मेरे बिल्डिंग में कोई ये आया था फिल्टर लगाने के लिए, वाटर फिल्टर, ठीक है। तो उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा था कि वाटर फिल्टर है हमारा बहुत अच्छा है, आप लगाओ एक बार। मैं बोली सॉरी मेरे घर में ऑलरेडी डीएक्सएन का वाटर फिल्टर है। तो बोला अच्छा डीएक्सएन क्या है, मैं बोली मेरी कंपनी है, मैं इसकी स्पीकर हूँ, मलेशियन कंपनी है और उसका वाटर फिल्टर मेरे पास लगा हुआ है, आप आके देख सकते हो चाहिए तो। तो बोला अच्छा कैसा है, मैं बोली बहुत ही अच्छा है, हम लोग तो काफी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ, और फिल्टर्स वगैरह 6 फिल्टर में से पास होकर पानी मिलता है, बहुत ही मीठा पानी है, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट वगैरह। तो बात करते थे, बोले डीएक्सएन क्या है, मैं बोले डीएक्सएन बहुत अच्छी कंपनी है, मलेशियन कंपनी है, आप कहाँ से हो, तो बोले कराची। मैं बोली कराची में हमारा मेन ऑफिस है और ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा ऑफिस है, तो आप फिल्टर का काम करो, मैं आपको ये नहीं बोली कि फिल्टर आप काम छोड़ के हमारे पास आके हमारा काम करो। तो बोला कि नहीं अच्छा कुछ सुनने में अच्छा साउंड आ रहा है, मैं बोली आप आके बैठ सकते हो मेरे घर में अंदर आके, तो बोला नहीं हम लोग अलाउड नहीं। बोली नो प्रॉब्लम, तो मैं आपको सिर्फ दरवाजे में थोड़ा सा बात बताती हूँ, अगर आप आना चाहते हैं तो ट्यूजडे को मेरे ऑफिस में आ जाए, मेरा कार्ड लिया उसने, अभी व्हाट्सएप पे हम बात कर लें। तो व्हाट्सएप पे बात करें तो बोला कि मुझे पूछा कि कितने बच्चे हैं क्या, मैंने मेरी 26 इयर्स की बेटी है। तो आज उसने मैसेज भेजा कि आप कितनी ब्यूटीफुल लगती हो, ब्यूटीफुल कभी कभी थोड़ा सा डर लगता है ऐसी बातों की, सामने से की बात आती है तो थोड़ा सा डर लगता है, ठीक है। तो ये होता है, तो बोले नहीं आप लगती नहीं 26 इयर्स बेटी की माँ है करके, आप तो बहुत यंग लग रहे होंगे, हमारे प्रोडक्ट्स का कम होगा, एंटी एजिंग है ना, हमारा प्रोडक्ट्स पाओगे, जितना खाओगे आपकी एज कम होते जाएंगे, आपका स्किन ग्लो होते जाएगा और आप यंग लगना शुरू हो जाओगे। और इसका कमाल है जो मैं 12